हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि मटके को आप अपने घर में किस तरह से क्लीन करें जिससे आपके मटका का पानी ठंडा रहे। अक्सर ये शिकायत रहती है, हमारा एक साल में मटका खराब हो जाता है, तो कहाँ गलती करते हैं और किस तरह से इसको वॉश करना चाहिए, चलिए वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको धो लेंगे, अंदर से भी हम इसमें पानी डालकर, बाहर से भी। अगर आप नया मटका ला रहे हैं तो नए मटके को एक बार आप इसमें हाथ डालकर अच्छे से धो लें। लेकिन ये मेरा 4 साल पुराना मटका है, मैं हर साल इसको इसी तरह से वॉश करती हूँ और यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है इसमें। तो देखिए, मैं इसको 4-5 बार पानी डालकर, मैं हाथ तो देखिए इसमें अंदर डालकर बिल्कुल भी नहीं रगड़ रही हूँ इसको। रगड़ने पहली गलती क्या कर लेते हैं हम, इसको जूने से या अच्छे से हाथों से या किसी भी चीज़ से इसको रगड़ देते हैं, जो इसके पोज यानी कि छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इससे क्या होता है, पानी ठंडा नहीं रहता है। तो देखिए, मैंने इसको धो लिया था, तो अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब नमक डालूंगी। इससे क्या होगा, जो इसके छेद होते हैं वो बंद जो हो जाते हैं वो इससे खुल जाएंगे। तो 2 चम्मच मैंने 1 चम्मच पहले डाल दिया था और 1 चम्मच मैं अब डाल दी हूँ। और बस अब हमें क्या करना है, अभी हम इसमें पानी डाल देना है। तो फ्रेंड्स, मैं यह बता रही थी कि हम गलती कर देते हैं कि इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो देते हैं, तो ये गलती हो जाती है हमसे। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें जब, हाँ अगर आप फर्स्ट टाइम मटका ला रहे हैं तो उसको एक बार आप अच्छे से हाथों से धो लें, वो भी हाथों से रगड़ कर धोए, किसी भी जूने का यूज ना करें। तो ये देखिए, मैं अब इसमें पानी भर दे रही हूँ और पानी भरकर मैं इसको रात में रख दूंगी। आप चाहें तो इस प्रोसेस को दिन में कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर ले और रात को इसमें पीने का पानी भर कर रख दे। देखिए, मैंने अब इसमें मॉर्निंग में मैंने इसमें पानी भरकर रख दिया था। आप चाहें तो इसे मटके को बाल्टी के अंदर भी या किसी टब के अंदर भी डुबा कर रख सकते हैं, उससे और भी अच्छा रहेगा। बस आपका क्या है, मटका पानी में डूबा रहना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको रख दूंगी पूरे दिन के लिए, शाम को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, शाम हो चुकी थी और मैं आपको दिखा रही हूँ मटके में पानी, मैंने आपके सामने ही ऊपर तक भरा था और ये पानी कितना कम हो गया है, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी मटके ने काफी अच्छे से सोख लिया है। अब हम इस पानी को फेंक देंगे, ये पानी यूज का नहीं है, ये देखिए हम इसको फेंक देंगे। अच्छा, एक डाउट और होगा आपके दिमाग में, मैंने जो व्हाइट नमक का यूज़ किया है और जो लेडीज़ फास्ट रखती है वो इस नमक को यूज़ नहीं करती हैं, तो आप इसमें व्रत का नमक आता है वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वो पानी मैंने डाल दिया था, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम डाल देंगे इसमें पीने का पानी। अब ये बिल्कुल तैयार है, तो हम इसमें पीने का पानी भर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से पानी मटके में भर के रखेंगी, इस तरह से वॉश करेंगी, तो यकीन मानिएगा आपका सालों साल मटका चलेगा, खराब नहीं होगा। तो मैं इसको भी गीला कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने इसको गीला कर, अच्छा अब हमें इसे और ठंडा रखना है, तो हमें क्या करना है, हमें ले लेना है इस तरह का कोई कपड़ा, आपके पास अगर कोई बेकार टॉवल पड़ा है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको गीला करके ले आई हूँ और बस इसको हम चारों तरफ से अच्छे से इसको कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है, और अब जहाँ मैं मटके को रखती हूँ मैं इसको वहाँ पर रख दूंगी। फ्रेंड्स, आप ज़रूर इस तरह से आप अपने मटके को क्लीन कीजिएगा, यकीन मानिएगा आपका मटके का पानी इतना ठंडा रहेगा कि आपको फ्रिज के पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और बहुत ही फायदेमंद होता है मटके का पानी। फ्रेंड्स, आपको एक ट्रिक बताती हूँ, हम अंकुरित बनाते हैं तो अंकुरित बनने में 3-4 दिन लग जाते हैं, तो किस इस तरह से अगर आप अंकुरित बनाएंगे तो बहुत 2 दिन में ही तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से कोई मोटा कपड़ा ले लें और इसकी इस तरह से पोटली बना के, ये हमारा जब मटके का पानी थोड़ा कम रह जाए तो हम इसे इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, मटके का पानी थोड़ा कम रहना चाहिए, पानी इससे टच नहीं होना चाहिए। और बस अब इसे हम ढक कर रख देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन हो चुके थे, 2 दिन बाद मैं आपको इसको खोल कर दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से जो हमारी मूंग की दाल है कितनी आसानी से अंकुरित बन चुकी है। तो आप इस तरह का भी यूज कर सकते हैं मटके के साथ।
अगर आपको डाउट है कि पानी में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो इससे कुछ भी नहीं होगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कैसी लगी आपको ये मेरी ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही आगे वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।